क्या बात करी। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रजवाना साहब, वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी जनाब मलिक सिकंदर रियाद खान बोसन साहब, मेयर नौ मुंतखब मेयर मुल्तान जनाब नवीद अरहिन साहब, इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वसूबाई वज़रा कराम मेंबरान कौमी वसूबाई असम्बली, मुल्तान के अजीम बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों और कौम की बेटियां, मुल्तान की जो प्रेस के हमारे भाई और साथी और जनाब यहाँ पर मखदूम जावेद हाशमी को देखकर खुशी हुई कि ये यहाँ पर माशाल्लाह सेहतमंद मौजूद हैं। जनाब वज़ीर आज़म आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लीडरशिप में जनूबी पंजाब की तरक्की के हवाले से संगे मील की हैसियत रखता है। ये विजन जो अभी स्टेट सेक्रेटरी जो कह रहे थे ये आप ही का विजन था और है और रहेगा कि वही कौमें आगे बढ़ती हैं जिनके यहाँ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सड़कात और पुल बनाए जाएं ताकि वो अपने अपने मकामात पर इदारों में वक्त पर पहुँचें और वक्त जो है वही तरक्की की कुंजी होता है। आपने जब 90 की दिहाई में जब लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे का आगाज किया तो बेपनाह तनकीद हुई, इतनी तनकीद हुई कि एक वक्त ऐसा आया कि शक गुजरने लगा कि आया ये सरमायाकारी जो उस वक़्त एक बहुत बड़ी रकम थी किसी और मकसद के लिए सर्फ होनी चाहिए थी या मोटरवे के ऊपर। जनाब वज़ीर आज़म फिर चंद साल ही लगे कि इस मोटरवे के बदतरीन नाकिद भी खुशी के साथ अपनी फैमिली के साथ मोटरवे को सफर करते थे और इसी तरीके से आपकी सरबराही में पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े जो मंसूबे मुकम्मल किए वो तारीख का हिस्सा हैं। और अब 2008 और 13 तक आपकी सुपरविजन में और फिर 2013 से लेके आज तक आपकी कौमी लीडरशिप के तहत पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबों की एक चेन जो इस वक्त शबाना रोज जो उसके ऊपर काम हो रहा है वो तारीख का एक बहुत बड़ा सबूत है कि नवाज शरीफ वो शख्स है, नवाज शरीफ वो सपूत है, नवाज शरीफ वो लीडर है, नवाज शरीफ वो पाकिस्तानी है जिसने अपने अदवार में पाकिस्तान के चारों सूबों में तरक्की और खुशहाली के वो मीनार कायम किए कि जिसकी रोशनी हमेशा तक पाकिस्तान जगमगाती रहेगी। जनाब वज़ीर आज़म आज ये 18.5 मील लंबा जो मुल्तान का जो
मेट्रो बस का जिसका आपने भी जिसका आज इफ्तिताह किया है, इसके ऊपर 28 अरब रुपए खर्च हुए, उसमें से 4.5 अरब रुपए जमीन की जो यहाँ पर बहुत तंग इलाकों से ये मेट्रो बस का रूट है, जमीन जाहिर है कि बड़ी मुश्किल से उसका एक्वायर करना मुमकिन हुआ और उसके लिए 4.5 अरब रुपए जमीन की एक्विजिशन के ऊपर खर्च किए गए। और मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद जनाब वज़ीर-ए-आज़म कह सकता हूँ कि आप ही की हदायत के तहत इन लोगों से जिनकी ज़मीनें या दुकानें ली गईं या मकानात दिए गए, उनको कोई इस बात का गिला नहीं कि हमें कम पैसे मिले, उनको इस बात का पूरे यकीन कि उनको पूरे पैसे मिले। और इसके लिए हुकूमत और किस काम की होती है कि अपने शहरियों को कि जेबों से पैसा नहीं निकालना बल्कि शहरियों को पैसा देना। ये वज़ीर आज़म साहब आपके दौर में हमेशा ये चीज़ रही कि आपने शहरियों को दिया, वो अदवार के जिन्होंने शहरियों के जेबों से पैसे निकाल कर पाकिस्तान को कंगाल किया, यही फ़र्क है नवाज शरीफ का और बाकी को दरमियान। ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला फेज मुकम्मल हुआ और सेकंड फेज मैं जनाब वज़ीर आज़म सोचता हूँ कि आपने मुझे कहा भी, सेकंड फेज का यहाँ पर तकाजा भी किया गया। अब इलेक्शन को 1.25 साल रह गया है, मैं कोशिश तो करूँगा कि 1 साल में बन जाए लेकिन पता नहीं, और इसलिए बाज़ का बारिश हो जाती है, बाज़ का कोई और कोई ऐसी अनफोर्सीन कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं हालात का, तो फिर देखिए ना कि इस मुल्क को इन 3.5-4 सालों में कितने बदतरीन किस्म के धरनों का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान की पाकिस्तान और पाकिस्तान की किस्मत को खोटा करने के लिए, पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता धड़न तख्ता करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म ये धरने किए गए और पाकिस्तान का कीमती 1.5 साल जाया हुआ। वगरना ये खाली यही मुल्तान का मेट्रो नहीं, बाकी भी जो मंसूबे मुल्क के अंदर जारी और सारी आपने किए थे वो वक्त से पहले उनकी जो तामीर की जो मुद्दत है बहुत जल्दी पहले मुकम्मल हो गए होते, मगर इन धरने वालों को पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई इनको शगफ नहीं था, इनको पाकिस्तान के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं थी, इनको मुल्तान के, इनको साहिवाल के, इनको कराची के, इनको पेशावर के, कोयटा के और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन करके धरने दे के पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता धरन तख्ता करके पाकिस्तान की किस्मत को दोबारा खोटा करना चाहते थे वज़ीर आज़म। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की ये दुआएं हैं, हमारी माओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, कि जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान दोबारा तरक्की की शार पर गामजन है और उनके धरने और तख्त सब दफन हो गए। आज जब वज़ीर आज़म चाहे ये मेट्रो मुल्तान हो, चाहे गैस की बुनियाद पर चलने वाले हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे हों जिनके ऊपर दिन रात इस वक्त काम जारी और सारी है, चाहे आपकी दयामीर भाषा की ज़मीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी हदायत के तहत अरबों रुपए खर्च करके वो खरीदी है, चाहे जहाँ भी वज़ीर आज़म दूसरे अहम मंसूबे हों, मुझे पूरे पाकिस्तान में एक माई का लाल, हाँ इल्जामात की बौछार तो होती रहती है, इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कोई चीज पैदा करने की है तो वो इल्जामात की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ एक धेले की कोई करप्शन ले आए जो हाईएस्ट लेवल पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में मंसूबे इस सूबे के अंदर और दूसरे सूबों में जारी और सारी हैं, तो जनाब वज़ीर आज़म मैं इस हॉल में मौजूद अजीम पाकिस्तानियों को
गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा अगर एक पाई की कहीं करप्शन को लेकिन यहां पे सहाफी भाई मौजूद हैं, मगर एक सहाफी ऐसे भी मौजूद हैं जिनके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। उन्होंने एक दफा लिखा कि मुल्तान में मेट्रो जो है ये आनी जानी चीज है, ये हवाई चीजें बनेगी नहीं। मुझे खुशी है कि वो सहाफी इस हॉल में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी के आज उनकी वो शक या उनकी एक सोच की नफी हो गई। और यकीनन मैं ये बात बिला खौफ तर्दीद कह सकता हूं कि वो दिल के अंदर बहुत खुश होंगे, मसरूर होंगे कि उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। यकीनन उनको जनूबी पंजाब के जो राइट्स हैं, जनूबी पंजाब के मसाइल हैं, उनसे उनको बहुत दिलचस्पी और होनी चाहिए। मगर मैं उनको भी आज मुबारकबाद पेश करता हूं कि जनाब आली आपकी जो तशवीश थी वो ख़त्म हुई और आज ये मंसूबा मुल्तान का, ये मैं फिर कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर कि क्वालिटी के लिहाज से ये लाहौर से कहीं बेहतर है, क्वालिटी के लिहाज से ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कहीं बेहतर है। और यकीनन ये इसका मकसद ये नहीं कि वो मंसूबे खुदा ना खास्ता उनमें कोई ज़ोफ या कमजोरी है, लेकिन इंसान जब सबक हासिल करता है और लेसन लर्न करता है तो वो फिर खूब से खूब तर की तलाश में होता है। मैं आज यहाँ पर मेट्रो मुल्तान के हवाले से उन तमाम दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ज़मीन के हसूल के लिए दिलो जान से आगे बढ़कर उन्होंने तावन किया। मैं यहाँ के हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कमिश्नर मुल्तान जनाब कैप्टन असद उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर दिन रात काम किया। मैं यहाँ पर उनकी जो टीम है, उनके तमाम इंजीनियर्स को, वर्कर्स को और उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात इस मंसूबे के ऊपर काम किया और इसकी खुशबू पूरे पाकिस्तान से फैलकर मस्की जो हमारी सरहद है वहाँ पर जो हमारा हमसाया, इसकी खुशबू वहाँ तक जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह ये मंसूबे दिन रात मुकम्मल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का उनका शुक्रगुजार हूँ जनाब वज़ीर आज़म, और मैं यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यकीनन बहुत शानदार क्वालिटी का मंसूबा ये बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये वो बेंचमार्क है, ये वो क्वालिटी का मेयार है जो कि हमें इस मुल्क के अंदर लेके जाना चाहिए। जनाब वज़ीर आज़म, बड़ी तनकीद हुई बाज़ भाइयों की तरफ से, बाज़ दोस्तों की तरफ से कि जनाब लाहौर में किस तरह ये मेट्रो बन गया, जनाब ये किस तरह मुल्तान में किस तरह ये मेट्रो बन गया, रावलपिंडी में किस तरह बन गया। मुझे बेहद खुशी है जनाब वज़ीर आज़म कि आपने कराची को भी ग्रीन लाइन दी है, वहाँ पर भी 18 किलोमीटर पर काम शुरू हो गया है और 100% फंड फेडरल गवर्नमेंट कराची के इस मेट्रो प्रोजेक्ट को दे रही है 100%। और हमें बहुत खुशी है, पंजाब के लोग खुश हैं कि कराची में आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेडरल फंड्स के जरिए वो मंसूबा जारी उसारी किया जो कि जल्द इंशाअल्लाह अपने तकमील के मराहिल मुकम्मल करेगा। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि हम पंजाब में अपना पैसा लगाएं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की डायरेक्शन और सुपरविजन में काम करें तो वो भी हजम ना हो, ये काबिले अफसोस बात है। और फिर ऑरेंज लाइन को किस तरह कीड़ों का निशाना बनाया गया कि ऑरेंज लाइन बन रही है। आज जनाब वज़ीर आज़म आपकी हदायत के तहत जो अभी चीन हमारा वफ्त गया था वहां पर ऑरेंज लाइन के अलावा अब कोयटा में सर्कुलर रेल का मंसूबा भी चीनियों ने मान लिया, कराची में भी सर्कुलर रेल का चीनियों ने मान लिया, पेशावर में भी चीनियों ने वहां पर एक मेट्रो का मंसूबा मान लिया। अब वो नाकदिन क्या कहेंगे, अब वो कहेंगे कि पंजाब में ऑरेंज लाइन क्यों मिली। हमें बहुत खुशी है और ऑरेंज लाइन का पैसा वो वफाक ने नहीं देना, वो हुकूमत पंजाब ने अदा करना है।
मगर मैं समझता हूं कि इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो हम चारों इकाइयों को यकजा दो काले होकर आगे बढ़ना होगा। हमें एक दूसरे की हमदर्दी और खुशी में हिस्सेदार बनना होगा। हमें एक रोटी मिलजुल कर खानी होगी। जब चार रोटियां होंगी तो सब अपनी अपनी रोटी भी खा लेंगे। खुदारा आज वजीर आजम नवाज शरीफ की क्यादत में एक हो जाओ। ये किस तरह हो सकता है कि इन तमाम मंसूबों में जिनका मैंने नाम लिया वहां पर तो करप्शन का दूर दूर कोई शायबा तक ना हो, और दूसरी तरफ $60 मिलियन स्विस बैंक्स में आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों पैसा तो तुम्हारा है, आके ले जाओ और वापस पाकिस्तान में ले जाकर खर्च करो। NICL का मुकदमा वहां पर फैसले हो चुके। नंदीपुर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अरबों रुपए की वहां पर पाकिस्तान के खजाने को टीका लगा। इसी तरीके से ओगरा को देख लें आप, इसी तरीके से रेंटल पावर को देख लें आप, अरबों खरबों, और फिर जिन्होंने कर्जे माफ करवाए और अरबों रुपए के कर्जे माफ करवाए वो ऊंची ऊंची जुबान में बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब होना चाहिए। जहां पे वजीर आजम, मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, मैं आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा और वो ये करना चाहता हूं और मैं दिल की गहराइयों से ये बात करना चाहता हूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई हैं। उम्र में मुझसे सिर्फ 1.5-2 साल बड़े हैं, लेकिन एहतराम का रिश्ता ये बुजुर्गों ने सिखाया। मैं भी इनको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह ये मुझे जानते हैं। शीशे की तरह हम एक दूसरे के चेहरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं आज इस हॉल में उस खुदाए बुजुर्गो बर्तन को गवाह बनाकर कहता हूं कि चाहे वजीर आजम नवाज शरीफ कारोबार में थे या 2 मरतबा वजीर आला थे या आज 3री मरतबा अल्लाह ताला ने आपकी वोटों और दुआओं से उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया, एक धेले की करप्शन अगर हो तो मैं आपको समझा रहा हूं नवाज शरीफ। इसलिए ये मुखालफ को साबित कर, जब वजीर आजम ये कहते हैं कि अभी बैठ जा रहा बात खत्म कर रहा हूं, जब वजीर आजम ये कहते हैं कि ये गैस के मंसूबे जो लग रहे हैं दिन रात 3600 मेगावाट के 112 अरब रुपए की वहां पर बचत हुई, तो क्या ये गलत बात है? इस तरीके से मुल्तान में ये जो आपका मेट्रो जो बस लगा है तो ये हॉल भरा हुआ है। कोई तो होगा जिसको पता होगा कि यहां पर करप्शन हुई शहबाज शरीफ ने की या उनके बड़े भाई ने खुदा ना खास्ता की, कोई तो होगा ना। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले आ चुके, अरबों खरबों खाए गए, नौकरों के नाम शेयर्स मुंतकिल हुए और उनके नाम इस मुल्क की दौलत पर हाथ साफ किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट से पनामा का फैसला वो सुन रही है, वो अल्लाह ताला की जात जानती है, जो सुप्रीम कोर्ट की वो अदालत जानती है कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन ये बातें मैंने जो आपको भी बताई हैं, इसकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की गर्द में वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा है वो इस पे छुपना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ये नहीं होने देगी। बिल्कुल आज अगर ये सच्चाई का मौका लम्हा आ गया है तो फिर आ जाए, और जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है हमने भी अपने आप को पेश किया है। आज इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उनसे मेरी दरखास्त है कि जब वो फैसला, जो भी वो फैसला अपनी दांत में ईमानदारी से सुनाएंगे तो प्रसाद इस बात को भी शर्तिया बनाएं कि लफाजी नहीं वो इल्जाम नहीं, जहां पर फैसले आ चुके, जहां पर अरबों खरबों की दौलत जो लूटी हुई है वो सामने आ चुकी, तो फिर अदालत उज़्मा साथ ये भी अगर फैसला करे कि वो लोग और वो ज्यादा नहीं 50 से 100 से ज्यादा नहीं होंगे वो लोग, अगर वो भी कटहरे में आ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायद आजम नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। थैंक यू सर। खातीन और हज़रात,
एक फिक्रा मैं लीडरशिप के बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ।